हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू कल्चर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपका सिलेबस में टिश्यू कल्चर इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले, टिश्यू कल्चर होता क्या है? एनिमल सेल्स को आप ग्रो करते हैं जब एनिमल बॉडी से बाहर निकाल के इन विट्रो कंडीशंस के अंदर, वो एनिमल टिश्यू कल्चर कहलाता है। इसमें टिश्यूज़ को आप, या एनिमल टिश्यूज़ को आप सेल्स की फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं, उसको आप छोटे छोटे टिश्यू पार्ट्स के फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं, या आप कोशिश कर सकते हैं एक ऑर्गन कल्चर तक उसको ले जाने की। मूविंग ऑन, सेल कल्चर आपके दो तरह के होते हैं। अगर आप सेल्स के लेवल की बात करते हैं तो आपके पास दो तरह के सेल कल्चर हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके सेल्स कुछ ऐसे होंगे जो आपके सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करके ग्रो करें, उनको हम कहेंगे एडहेरेंट सेल्स। और दूसरे सेल्स होंगे जो आपके अटैच नहीं करेंगे सबस्ट्रेटम के और एज सच ग्रो करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप एडहेरेंट सेल्स की बात करते हैं या आप सस्पेंशन सेल्स की बात करते हैं, जब आप इनको इनोकुलेट करते हैं, जब आप इनको स्टार्ट करते हैं, तो ये सेल्स दोनों ही आपको राउंडेड शेप में दिखेंगे। लेकिन जैसे ही एडहेरेंट सेल्स अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाएंगे, वो एक पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी, पर्टिकुलर शेप अटेन कर लेते हैं, जबकि सस्पेंशन कल्चर आपको राउंडेड ही दिखेंगे। उसके आगे चलते हैं, एक्सप्लांट कल्चर्स में आप टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़ों को लेके उनको ग्रो करते हो सॉलिड मीडियम के ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। और तीसरा आपका ऑर्गन कल्चर है। ऑर्गन कल्चर में आप कोशिश करते हैं कि आपके ऑर्गन के करेक्टरिस्टिक्स आप ले आए, बिकॉज सेल कल्चर में एक चीज प्रॉब्लम देखेंगे कि जैसे आप सेल कल्चर को प्रोपगेट करेंगे दो तीन चार जनरेशन के बाद, वो अपने करेक्टरिस्टिक्स खोता चला जाता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स लॉस होते चले जाते हैं। ऑर्गन कल्चर में आप ट्राई करते हैं कि आपके ऑर्गन लाइक करेक्टरिस्टिक्स जो है मेंटेन रहें आपके कल्चर के अंदर। मूविंग ऑन, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, हम देखेंगे हमारे पास पहला ही आपके पास आ गया, सेल कल्चर एंजाइमेटिक डिसोसिएशन। मैं एंजाइमेटिक डिसोसिएशन से पहले आपको बताऊं कि जब भी आप किसी सेल कल्चर को स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका जो टिश्यू है, आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है, किसी एनिमल से आएगा, किसी एनिमल टिश्यू से आएगा। एनिमल टिश्यू को आप कैसे यूज कर सकते हैं इनटू, आप उसको ग्रो करें सेल्स की फॉर्म में, तो सबसे पहले आपके टिश्यू, आपने टिश्यू को डिसोसिएट करना है। टिश्यू को डिसोसिएट करने के लिए आपके पास दो तरह के डिसोसिएशन हैं जो आपको स्टेप वाइज मैनर में करनी पड़ती हैं। पहली डिसोसिएशन कहलाती है फिजिकल डिसोसिएशन, जैसे इस स्लाइड पे लिख रखा है आपका। आप मिंस कर सकते हैं, आप चॉप कर सकते हैं यूजिंग ए ब्लेड, यूजिंग सर्जिकल ब्लेड, आप उसको छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। वंस फिजिकल डिसोसिएशन इज डन, उसके बाद आप जाते हैं एंजाइमेटिक या केमिकल डिसोसिएशन पे, जिसमें आप टिश्यू को यूजुअली एक एंजाइम के साथ, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, मींस प्रोटीन्स को तोड़ने वाला एंजाइम, जो एंजाइम हम कॉमनली यूज करते हैं टिश्यू कल्चर में, वो ट्रिप्सिन है। तो आप ट्रिप्सिन डालेंगे, उसको इंक्यूबेट करेंगे टिश्यू के साथ, और इसी ट्रिप्सिन की मदद से और आपकी फिजिकल डिसएग्रीगेशन की मदद से आपके जो टिश्यू हैं, उसके जो सेल्स हैं, वो आप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर इन सेल्स को आप डाल सकते हो कल्चर वेसल में। कल्चर वेसल में डालने के बाद, अब ये सेल किस तरह के हैं, अगर ये आपके अडेरेंट सेल्स होंगे तो ये चिपक जाएंगे आपके सबस्ट्रेटम के साथ और विद इन आवर्स अपनी मॉर्फोलॉजी अटेन कर लेंगे। और अगर सस्पेंशन कल्चर के सेल्स हैं तो दे विल रिमेन इन द कल्चर मीडियम एज सस्पेंशन, सस्पेंडेड फॉर्म में वो रहेंगे आपके मीडियम के अंदर। मूविंग ऑन, एडवांटेजेस क्या रहती हैं आपके सेल कल्चर की। सेल कल्चर की सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि आपने एक बार टिश्यू ले लिया एनिमल से, तो आप उनसे जो सेल्स डिराइव्ड होते हैं उसको आप सब कल्चर करके, सब जनरेशन उसकी करके, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन बना सकते हो। हालांकि जो नॉर्मल सेल लाइंस आपकी हैं उनका फिक्स्ड लाइफ स्पैन होता है, वो 10 12 15 20 जनरेशन से आगे जाएंगी नहीं। जो आपने काम किया इन सेल लाइंस के ऊपर, वो आपके स्केल अप पे आप जा सकते हो, उसको बड़े लेवल पे भी जाके कर सकते हो। आप इन केस में, सेल कल्चर के केस में, आप सारे के सारे कंडीशंस को कंट्रोल करते हो। आप ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हो, आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, आप पीएच कंट्रोल कर सकते हो। ये सब चीजें कंट्रोल करने का फायदा यह है कि आप इम्पैक्ट देख सकते हो कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट किया तो मेरे कल्चर में क्या फर्क आया, ह्यूमिडिटी फ्लक्चुएट की तो मेरे कल्चर में क्या फर्क आया, पीएच में अगर मैंने चेंज किया तो मेरे कल्चर में क्या फर्क आया। उसके बाद, क्योंकि आपने कल्चर खुद स्टार्ट किया, यू कैन बी श्योर कि आपका कल्चर होमोजेनस है स्टार्ट में, मिक्स्ड कल्चर नहीं है, देर इज नो मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। देन आप जब यूज करते हो ड्रग डिस्कवरी जैसे सिनारियोज में, तो आपको सेल कल्चर से स्टार्ट करना बड़ा इजी रहता है, आपको ड्रग की अमाउंट कम चाहिए, प्लस आप डायरेक्टली एनिमल्स पे नहीं जा रहे हो, आप इनिशियली उसका इफेक्ट सेल्स पे देख सकते हो। अगर आपको सेल्स पे वो इफेक्टिव दिखता है, देन यू कैन मूव टू एनिमल्स, एंड उसके बाद के प्रोसीजर्स पे आप जा सकते हो अगर आपको सेल लेवल के ऊपर वो यूजफुल दिखता है। तो आपको अमाउंट ऑफ ड्रग कम चाहिए, प्लस आप इतने सारे लेंथी प्रोसीजर्स करने से बच जाते हो,
क्योंकि आपने सेल्स पे पहले वो ट्रीटमेंट देके देख लिया कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जब सेल्स को ग्रो करते रहोगे ओवर जनरेशन, एक जनरेशन से दो जनरेशन से तीन जनरेशन, विद टाइम उसके कुछ डिफरेंस करेक्टर्स होते हैं जो लॉस हो जाते हैं, जो पेरेंट टिश्यू टिश्यू के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कुछ लॉस कर जाता है। सेल्स को मेंटेन करना डिफिकल्ट है, बैक्टीरियल कल्चर से तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आपको एक्सपर्टीज चाहिए, आपका जो मीडियम है महंगा आएगा, आपके जो कल्चर वेसल्स हैं महंगे हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है ये, प्लस इट नीड्स एक्सपर्टीज ऑल्सो। अच्छा, इसमें क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो आपको थोड़ा सा टिश्यू ग्रो करने के लिए यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, इट्स अ हाई कॉस्ट अफेयर। देन इसमें एक प्रॉब्लम आती है, सेल्स जो है दे कैन अंडरगो डी डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन, तो कुछ सेल्स जो आपको अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में चाहिए वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और कुछ सेल्स जो आपको डिफरेंशिएटेड ही चाहिए वो भी अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज शो में चेंज शो कर सकते हैं। देन ओवर द टाइम आपके जो सेल्स हैं जो कल्चर में ग्रो कर रहे हैं उनमें कुछ क्रोमोसोमल एबरेशंस भी आ सकती हैं, तो दे सेल्स दे कैन बिकम इनस्टेबल ऑल्सो एंड दे कैन शो प्रोसेस लाइक एन्यूप्लॉयडी। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं एसोसिएटेड आपके सेल कल्चर के साथ। नाउ थोड़ा ऑर्गन कल्चर के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि ऑर्गन कल्चर हम डिस्कस लास्ट में करेंगे, बट बिफोर मूविंग फर्दर विद द टिश्यू कल्चर और द सेल कल्चर, थोड़ा सा ऑर्गन कल्चर में बता दूं कि आपने एंटायर एम्ब्रियोज को जैसे आप ले सकते हैं या उसके ऑर्गन्स ले सकते हैं, उनको निकाल के उनको काट के आप बॉडी से अलग करके कल्चर डक्ट करें। उसमें एडवांटेज क्या है, इसमें जो नॉर्मल फंक्शन है ऑर्गन का वो लॉस नहीं होगा, वो कोशिश होती है कि उसको मेंटेन रखा जाए, क्योंकि अगर आपने एक बार ऑर्गन को चॉप कर दिया जैसे हमने सेल कल्चर में किया था, उसको फिजिकल डिसएग्रीगेशन कर दी और केमिकल डिसएग्रीगेशन कर दी, तो उसके फंक्शंस लॉस होने के पूरे चांस हैं। यहाँ पे ऑर्गन आपने इंटैक्ट लिया है, इंटैक्ट लेने की वजह से आपने उसको रख लिया और आपके लिए बड़ा यूजफुल हो गया वो। दूसरी चीज, सेल्स जो हैं इसमें अपने उसी फॉर्म में रहते हैं जो वो ऑर्गन की फॉर्म में रहते हैं, मतलब डिफरेंशिएटेड स्टेट में रहते हैं, आपने उनको कुछ डी डिफरेंशिएट नहीं किया। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, आप इसको स्केल अप करना बड़ा डिफिकल्ट है, इट्स नॉट रिकमेंडेड ऑल्सो। ऑर्गन कल्चर में जो ग्रोथ रेट है बहुत स्लो होता है, और आपको जब भी स्टार्ट करना है कल्चर आपको नया ऑर्गन चाहिए हर बार, तो यू कैन नॉट टेक वन कल्चर एंड कीप इट प्रोपोगेशनल फॉर द सब जनरेशन। तो एक बार आपने लिया, उसको यूज किया, उसको ट्रीटमेंट दी, उसमें से ऑब्जर्वेशन ली और वो कल्चर खत्म हो गया, आपको दोबारा से वो कल्चर करना है, आपको दोबारा से वो ऑर्गन फिर से चाहिए फ्रेश कल्चर में। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ऑर्गन कल्चर की, लेकिन एडवांटेज ये भी है आपको मैंने बताया कि आपके एक्चुअल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेंटेन रहते हैं। मूविंग ऑन, एक छोटा सा आपके पास फ्लो चार्ट है कैसे हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक एडल्ट से आपने टिश्यू ले लिया, आपने एम्ब्रियो से ऑर्गन ले लिया या एग सेल से लेके आपने उसको डाइसेक्ट कर दिया, आपने छोटे पीसीज में उसको कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आपने उसको फाइनली चॉप करके या आपने मैकेनिकल डिसोसिएशन कर दिया, आपने एंजाइमेटिक कर दी, या आगे ओल्ड डिस अपने उसको छोटे पीसीज में कन्वर्ट कर लिया एज नीडेड, तो आप इसी से एंजाइमेटिक के बाद आप सेल कल्चर पे जा सकते हो, छोटे टिश्यूज के पीसीज से आप प्राइमरी का एक्सप्लांट पे जा सकते हो, और ऑर्गन एज सच लेके आप ऑर्गन कल्चर पे जा सकते हो। अभी तक जो हमने देखा कि कैसे सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर और आपका ऑर्गन कल्चर कैसे हम इनिशिएट कर सकते हैं फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द एनिमल इटसेल्फ। मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास, हमें सेल कल्चर क्यों चाहिए, व्हाई डू वी नीड सेल कल्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जितना भी रिसर्च हो रहा है, आपका जितना भी ड्रग टेस्टिंग होती है, उसके लिए आप डायरेक्टली एनिमल्स या ह्यूमंस पे नहीं जा सकते, तो आपके पास एक मॉडल सिस्टम चाहिए जिसपे आप उन ड्रग्स को टेस्ट करें। तो आपके एनिमल सेल कल्चर्स प्रोवाइड करते हैं आपको बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव, एक बहुत अच्छा मॉडल प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप टेस्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैंसरस ड्रग को चेक करने के लिए आपके पास कैंसर सेल लाइन्स हैं, तो पहले आप उन्हीं पे चेक करेंगे, फिर आप एनिमल पे मूव करते हैं, और इवेंचुअली अगर कुछ आपको मिलता है, वेरी गुड प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलते हैं, तो आप ह्यूमन ट्रायल्स की तरफ जा सकते हैं। दूसरा, कमर्शियल और लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब आप कुछ किसी वैक्सीन को आप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन है, हमें ह्यूमन इंसुलिन चाहिए, लेकिन हम ह्यूमन को बायो रिएक्टर्स की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम सेल्स को यूज करते हैं एज प्रोडक्शन हाउसेज। तो आप अपना काम की चीजें जैसे इंसुलिन है, कुछ वैक्सीन हैं, कुछ एंटीबॉडीज हैं या कुछ हॉर्मोन्स हैं, आप उनको बनवा सकते हो यूजिंग दीज एनिमल कल्चर्स इन विट्रो। तो ये कुछ यूजेस हैं आपके सेल कल्चर के। मूविंग ऑन, कैसे इस इनिशिएट करते हैं, मैं पहले भी बात किया, चाहे आप एनिमल की बात करो, चाहे आप प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करो, आपने सोर्स ऑर्गेनिज्म लेना है,
उसका एक टिश्यू लेंगे, उस टिश्यू को आप डिसएग्रीगेट करेंगे। डिसएग्रीगेट करने के बाद आपका, जैसे ही आपने टिश्यू को डायरेक्टली फ्लास्क में डाला, वो पहला टाइम जो वो कहलाएगा, इट विल बी नोन एज द प्राइमरी कल्चर। उस प्राइमरी कल्चर को अगर आप सब कल्चर कर पाओ, अगर आप उसको ग्रो कर पाओ फर्दर, तो वो बनाता है आपका सेल लाइन। और सेल लाइन आपका, इट कैन ग्रो फॉर सर्टन जनरेशन से 20 जनरेशन, ये 10-20 जनरेशन तक ग्रो कर सकती है। उसके बाद ये भी ग्रो करना बंद कर देगी। इसको हम बोलते हैं कि उनका लाइफ स्पैन एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन है, उनको हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं फाइनाइट लाइफ स्पैन है। तो अगर आप चाहते हो कि आपने एक बार एनिमल से सेल ले लिए, उससे प्राइमरी कल्चर बना दिया और वो ग्रो करता रहे इनडेफिनेटली, वो कभी ग्रो करना बंद नहीं करे, तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, उस सेल लाइन को कन्वर्ट करना पड़ता है एक कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन में। तो कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन कैसे बनती है एक सेल लाइन से, ये भी हम डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आप देखेंगे हमारे पास सेल कल्चर। तो पहले जैसे मैंने बात की प्राइमरी सेल कल्चर, आपने ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली टिश्यू ले लिया, उसको डायरेक्टली एक वेसल में डाल दिया, उसको एक ही बार आप यूज करेंगे, ये कहलाएगा आपका प्राइमरी टिश्यू कल्चर या प्राइमरी कल्चर। इसमें आपने टिश्यू को फिजिकली और केमिकली या एंजाइमेटिकली डिसोशिएट किया, फ्लास्क में डाला। जो टिश्यू कल्चर वेसल हम यूज करते हैं उसको हम नाम देते हैं फ्लास्क। आप देखेंगे इस पे एक नॉब है बाहर की तरफ और एक स्क्वायर या रेक्टेंगल सा सरफेस है, और नीचे आप देखेंगे एक बेस में आपका मीडिया पड़ा है और आपके सेल्स जो हैं वो बिल्कुल बेस पे अटैच होंगे, ठीक है। ये एक नॉब रहती है, इस नॉब के जरिए यहाँ एक उसको खोल के आप मीडिया चेंज कर सकते हैं इसका। और इस नॉब में एक फिल्टर रहता है जो हवा को अंदर आने देता है लेकिन माइक्रोब्स को अंदर नहीं आने देता। 0.2 माइक्रॉन का फिल्टर रहता है एक, जो किसी भी कंटेमिनेटिंग एजेंट को अंदर नहीं आने देता लेकिन हवा और ह्यूमिडिटी को पास करने देता है। सो वंस वी मूव ऑन प्राइमरी कल्चर के बाद, आपके पास आप इसके करेक्टरिस्टिक्स देखें। प्राइमरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने टिश्यू से डायरेक्टली लिया है इसको, तो इट इज सिमिलर टू द मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट। हाँ, इसकी सेल डिविजन्स बहुत लिमिटेड होती हैं, आप ज्यादा सेल डिविजन्स नहीं कर सकते। और इन वीवो मॉडल्स पे जाने से पहले आप प्राइमरी सेल्स पे अगर काम करें तो ये बहुत यूजफुल है। पहले प्राइमरी सेल्स पे काम करें, फिर इन वीवो मीन्स एनिमल मॉडल्स पे जाएं, और अगर उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉमिसिंग मिला, देन आप यू कैन गो टू द ह्यूमन और अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर ट्रायल्स। मूविंग ऑन, दूसरा सेल कल्चर का टाइप आपका आता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर। एक बार आपने सेल्स निकाल लिया ऑर्गेनिज्म से, अब बार बार आप ऑर्गेनिज्म पे नहीं जाना चाहते, आपने उन सेल्स को ग्रो किया, सब कल्चर किया। यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे बार बार, पसाज किया। इट इज नॉट नॉट पैसेज, इट इज पसाज। हमने सब कल्चरिंग को हम पसाजिंग भी कहते हैं, और एनिमल सेल्स में हम सब कल्चरिंग कैसे करते हैं, पसाजिंग कैसे करते हैं, हम यूज करते हैं एंजाइम जो पहले मैंने डिस्कस किया, एक ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है जो उसमें यूज होगा। तो सब कल्चर में आप क्या करेंगे, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिस्पर्शन एंड रीकल्चर ऑफ सेल्स आफ्टर दे हैव इंक्रीज्ड द ऑक्यूपेंसी। तो जब आपने फर्स्ट टाइम सेल्स को एक वेसल में डाला, एक प्लास्टिक कंटेनर में डाला, तो वो सेल्स ग्रो करना शुरू कर दिए, और जब वो ग्रो करेंगे, ग्रो करते करते वो इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे नंबर में कि वो सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। जब वो सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, वो मीडिया भी डिप्लीट कर देंगे, तब ये जरूरी है कि हम उनको लेस पॉपुलेट करें वहां से, हम उनका नंबर कम करें, प्लस हम उनको फ्रेश मीडिया दें, सो दैट दे कैन अगेन प्रोलिफरेट। होगा क्या, विद टाइम अगर स्पेस और मीडिया यानी कि न्यूट्रिशन लिमिटेड हो जाएगा, तो वो सेल्स ग्रो करना बंद कर जाएंगे, वो सेल्स डिफरेंशिएट करना शुरू कर जाएंगे, या इवेंचुअली मरना भी शुरू कर सकते हैं, बिकॉज मीडिया तो है नहीं और स्पेस भी नहीं है, तो दे कैन स्टार्ट डाइंग ऑल्सो। तो यूजुअली आपके कॉन्टिन्यूस कल्चर में हम सिंगल सेल टाइप की बात करते हैं, जहाँ पे सेल्स ग्रो करते हैं इन द कल्चर। इसको आप एक जनरेशन के बाद, नेक्स्ट जनरेशन के बाद, नेक्स्ट जनरेशन के बाद ग्रो कर सकते हो। सो दे कैन बी सीरियली प्रोपगेटेड इन कल्चर फॉर सेवरल पसाजेस। पसाजेस मीन जनरेशन। सो हमारे पास दो तरह के कॉन्टिन्यूस कल्चर हैं, एक को आप सेल लाइन्स कहते हैं, एक को आप कॉन्टिन्यूस सेल लाइन्स कहते हैं। तो मैंने डिस्कस किया कि सेल लाइन है जब आपने एक प्राइमरी कल्चर को लेके, जब आपने इसको ग्रो किया, तो दे आर ड्राइव फ्रॉम प्राइमरी कल्चर्स, हैव ए लिमिटेड लाइफ स्पैन। तो थोड़ी देर के बाद, आफ्टर फर्स्ट सब कल्चर, आपने प्राइमरी कल्चर को पहली बार सब कल्चर कर दिया, पहली बार उसकी नेक्स्ट जनरेशन पे चले गए, इट बिकम्स ए सेल लाइन। उसको आप सेल लाइन टर्म बोलेंगे। हाँ, इसकी लाइफ फाइनाइट है, 20-30 साइकिल्स के बाद ये ग्रो करना बंद कर देते हैं। ये सेल्स यूजुअली डिप्लॉयड होते हैं, कुछ हद तक डिफरेंशिएट भी ये कर जाते हैं। तो जब भी आपने स्टार्ट करना है इन सेल लाइन्स के साथ काम करना, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अर्ली जनरेशन के ऊपर कुछ काफी अमाउंट ऑफ सेल्स स्टोर कर लेने हैं। स्टोर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टोर नहीं करेंगे, तो आप हर बार जब 30 पे पहुंचेंगे, आपको हर बार एनिमल पे जाना पड़ेगा।
तो से जब आपने सेल्स लिए प्राइमरी सेल्स से, तो जब आपने पहला जनरेशन बनाई तब भी कुछ सेल्स आप बचा के रख लें, जब सेकंड जनरेशन बनाई तब भी बना के रख लें, तो 3, 4, 5 जनरेशन के सेल्स आपने जो है बचा के रख लेने हैं, ताकि जब भी आपको यूज पड़े तो आप अर्ली स्टेज के सेल्स से स्टार्ट कर सको और आपको एनिमल के पास फिर से वो डाइसेक्शन, फिर से डिसएग्रीगेशन ना करनी पड़े। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके सेल लाइंस ग्रो करना बंद ही नहीं करें, आपके वो दे कीप ऑन ग्रोइंग, तो आपको पता है कौन से सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते रहते हैं और रुकते नहीं हैं, उनको हम कैंसर सेल्स कहते हैं, ट्यूमर सेल्स कहते हैं। तो ट्यूमर सेल्स आपको सब सबको आइडिया है कि दे आर कैंसर सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। तो अगर आप किसी तरह से नॉर्मल सेल्स को ट्रांसफॉर्म कर पाओ सो दैट ट्रांसफॉर्म कर पाओ सो दैट दे कैन कीप ऑन ग्रोइंग, तो दैट प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल लाइंस। तो आपके सेल लाइंस तो हैं, लेकिन आपने उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया किसकी मदद से? एक तो आप ट्यूमर सेल्स को एज सच यूज कर सकते हो, दे विल कीप ऑन ग्रोइंग, वो तो कभी बंद नहीं करेंगे, या आपने जो सेल्स आप ग्रो कर रहे हो उनके जो ऑन्कोजीन्स हैं उनको एक्टिवेट करा दिया, आपने केमिकल ट्रीटमेंट से उनको म्यूटेशन करा के इस तरह की चेंज ला दी उसमें कि वो डिवाइड करते रहें, या ओवर द टाइम दे स्पॉन्टेनियसली भी ये चीज हो सकती है कि सेल्स जो है वो ट्रांसफॉर्म कर जाए। अब ये सेल्स जो ग्रो, जिनके पास इनडेफिनेट ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है कि वो कभी बंद नहीं करेंगे ग्रो करना, दे विल कीप ऑन ग्रोइंग एज लॉन्ग एज यू हैव मीडिया एंड स्पेस अवेलेबल, तो इनको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन, दे नेवर सीज टू ग्रो। तो इसमें डिसएडवांटेज, इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि क्योंकि आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन अर्लियर या पेरेंट सेल में तो थी नहीं, तो ये एक प्रॉब्लम आती है कि पेरेंट सेल से इनकी करेक्टरिस्टिक्स थोड़े से डिफर करने लग जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये जेनेटिकली थोड़े से ऑल्टर आपने किए होते हैं, तो ये पेरेंट से डिफर करना शुरू हो जाते हैं, और इन वीवो को जो एक्चुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर कंडीशंस होती हैं उनको ये एग्जैक्टली 100% मिमिक नहीं करते। आगे हम चलेंगे कैसे हम सेल्स को बना सकते हैं, तो कैसे हम एक सेल लाइन को कॉन्टिन्यूस में कन्फर्म करते हैं। पहले आपको बता दिया मैंने ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या होगा, आपने स्पॉन्टेनियस आपने एक चेंज इंड्यूस की उसकी फिनोटाइप के अंदर, मतलब वो जो ग्रो नहीं कर रहा था इनडेफिनेटली, आपने उसको चेंज करके, आपने उसको चेंज लाके इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू समथिंग विच इज ग्रोइंग इनडेफिनेटली, तो आपके सेल्स अब वो ग्रो कर रहे हैं इनडेफिनेटली। दूसरा मेथड आपके पास ट्रांसफेक्शन है, इसमें आप वायरल डीएनए, मतलब वायरस के मीडिएटेड या किसी और का डीएनए आप इंड्यूस कराते हो सेल्स के अंदर, दैट इज नोन एज ट्रांसफेक्शन। तो अब सेल कल्चर आपकी, लास्ट में आपको सम टोटल दूंगा एक कि सेल कल्चर किस काम आता है आपके। तो सेल कल्चर एक ओवरऑल समरी, ये आपकी सेल्स की फिजियोलॉजी और सेल्स की बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना, सेल्स कैसे सर्वाइव करते हैं, टेम्परेचर क्या चाहिए, मीडिया क्या चाहिए, और क्या चेंज आएगी अगर आप उन चीजों के साथ फिडल करोगे। तो दूसरा, आप इन सेल्स को यूज करके ड्रग्स और टॉक्सिक कंपाउंड्स का इफेक्ट शो चेक कर सकते हो कि वो कितने इफेक्टिव हैं या कोई टॉक्सिन कितना टॉक्सिक है, विदाउट गिविंग इट टू द एनिमल आप सेल लेवल के ऊपर भी चेक कर सकते हो। दूसरा, आप इनको म्यूटाजेनेसिस और कार्सिनोजेनेसिस स्टडी करने के लिए भी यूज कर सकते हो, एज आई टोल्ड यू कि ड्रग स्क्रीनिंग में ये काम आते हैं, ड्रग डेवलपमेंट में ये काम आते हैं, इनिशियल आप इन्हीं से स्टार्ट करते हो अपने जितने भी एसेज हैं आपके, जितने भी इंपॉर्टेंट जो चीजें आप ट्रैक करना चाहते हो किसी ड्रग को लेके, वो ड्रग कैसे काम कर रही है, कितनी अमाउंट में चाहिए, वो सब आप स्क्रीनिंग और डेवलपमेंट यहाँ पे आप इनिशिएट इनिशियल लेवल्स के ऊपर इन्हीं से को यूज करके, सेल्स कल्चर को यूज करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपने वो भी देखा कि ये यूजफुल है जब आपके वैक्सीन्स बनाने में, हॉर्मोन्स बनाने में, तो सेल कल्चर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल दीज डेज, जिसको यूज करके आप अपने आप देखिए बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है कि आप ह्यूमन बेनिफिट की तरफ देखें, तो एनिमल सेल कल्चर को यूज करके आप अपने काम की चीज बनवा रहे हो, वैक्सीन्स बनवा रहे हो, हॉर्मोन्स बना रहे हो, आप ग्रोथ फैक्टर्स बनवा रहे हो, देन आप ड्रग डिजाइनिंग में इसको यूज कर रहे हो, तो इट्स वेरी यूजफुल टूल इन द ओवरऑल सिनारियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे और कुछ एस्पेक्ट्स की, जैसे मीडिया का क्या रोल है, मीडिया के क्या कॉम्पोजिशन है और कैसे मीडिया यूजफुल है। मैं एक लेक्चर आपको प्लास्टिक वेयर्स की भी दूंगा कि कौन से प्लास्टिक वेयर हम सेल कल्चर में यूज करते हैं, क्या क्या उनका रोल है, क्या क्या किस किस काम के लिए कौन सा प्लास्टिक वेयर आता है, कैसे हम सेल्स को सब कल्चर करते हैं, इसके लिए भी एक लेक्चर होगा आपका। सो इन लेक्चर को फॉलो करिए आप, और कोई भी डाउट आता है आप अपने क्लासरूम ऐप में पोस्ट करिए। थैंक यू सो मच।